नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग, अगर आपके विंडोज़ पे विंडोज़ लाइसेंस विल एक्सपायर सून का एरर आ रहा है, तो किस तरह से हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में पहले मैं बता दूं, अगर आपका की वैलिडेटेड नहीं है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का की होता है वो अगर वैलिडेटेड नहीं है, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी, या फिर आपकी जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वहां पे आपको इस टाइप के एरर देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो तो यही है कि आप इसका जो एक्चुअल की है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो की है, वो आप परचेज कीजिए और अपनी जो विंडो है उसको एक्टिवेट कीजिए। ये इसका जेन्युइन वे है, ठीक है। अदरवाइज आपको ये एरर अगर रिमूव करना है, ये फ्रीक्वेंटली आता है जब आपका विंडो एक्सपायर हो जाता है, तो ये फ्रीक्वेंटली जब एक्सपायर हो जाता है तो ये एरर मिलता है आपको, ठीक है। अब जो एरर का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ वो इसको रिमूव तो कर देगा, बट इसके डिसएडवांटेजेस अभी भी क्या रहेंगे कि कुछ टाइम बाद जब आपका जो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, आपको जब ओएस को या अपनी विंडोज को स्टार्ट करेंगे ना, तो ये आपको एक मोड पे स्टक कर देगा कि ये आगे जाने नहीं देगा, आपको कुछ भी फंक्शन एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि आपकी की वैलिडेटेड नहीं है। तो उस केस में आपको दोबारा विंडो डालनी पड़ सकती है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका विंडो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के एरर आपको फ्यूचर में फिर भी रहेंगे, तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप जो जेन्युइन की है वो परचेज कीजिए, या फिर जो आपका लाइसेंस की है उसको आप अगर एक टाइम के लिए एक्सटेंड करना है तो वो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो जेन्युइन सॉल्यूशन यही है, बट एरर किस तरह से रिमूव करेंगे वो मैं आपको इस वीडियोज में बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग दो तीन चीजें अप्लाई करेंगे जो कि आपको वन बाय वन फॉलो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो सबसे नीचे मेरा ये टास्क मैनेजर है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। जो टास्क बार है इसमें मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास आ गया टास्क मैनेजर। मैं टास्क मैनेजर पे लेफ्ट क्लिक कर लूंगा। अभी देखिए मेरा टास्क मैनेजर खुल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही आपका टास्क मैनेजर दोस्तों ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक विंडोज एक्सप्लोरर करके सर्विस होती है वो हमें सर्च करनी है। तो ये देखिए ये रहा मेरा विंडोज एक्सप्लोरर सर्विस, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और इसको एंड कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने देखिए इसको एंड किया, तो आप देख रहे होंगे जो मेरा कंप्यूटर का बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया, ठीक है। जो इससे रिलेटेड सर्विसेज थी वो बंद हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, रन न्यू टास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक कमांड लिखेंगे एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स सी, ठीक है। अब जैसे मैं ये कमांड टाइप करूंगा, मुझे ओके करना है, ठीक है। कुछ टाइम लेगा, तो क्या करेगा, जो आपके कुछ इससे रिलेटेड सर्विसेज वो बंद कर देगा। देखिए आपका बैकग्राउंड वापस नॉर्मल हो चुका है। पहले तो आपको ये टाइप करना है, उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के सर्च बार में टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, या शॉर्टकट में लिख सकते हैं CMD, ठीक है। आप जैसे आप CMD टाइप करेंगे, ठीक है, तो ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो आ चुकी है। मुझे इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, या फिर यहाँ साइड में देखो लिखा हुआ है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, तो आपको देखिए ये आपका सिस्टम ओपन हो चुका है, कमांड विंडो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है, वो कमांड मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है SLMGR, स्पेस देने के बाद आप टाइप करेंगे हाइफन, उसके बाद लिखेंगे RER, ठीक है। ये कमांड आपको टाइप कर लेनी है और उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ये कमांड कंप्लीट हो जाती है, आपको देखो एक मैसेज आता है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज रिस्टार्ट द सिस्टम फॉर द चेंजेस टू टेक इफेक्ट। अब आपको क्या करना है, जैसे आप इसको ओके करोगे तो आपको इसके बाद अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। आप अपने सिस्टम को यहाँ से रीस्टार्ट कर लीजिए, और जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, अगेन आपको क्या करना है, वापस जब सिस्टम वापस ऑन हो जाएगा तो आपको अगेन क्या करना है, यहाँ सर्च बार में एक कमांड टाइप करनी है जिसका नाम है सर्विसेस डॉट msc, ठीक है। अब ये सर्विसेज डॉट msc को आप ओपन कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप ओपन करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हमारे पास सर्विस होती है जिसका नाम होता है विंडोज लाइसेंस मैनेजर, ये देखिए जो मैंने अभी सेलेक्ट कर रखी है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे पहले तो इस सर्विस को स्टॉप कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इस सर्विस को स्टॉप कर चुका हूँ। अब ये देखिए इसका स्टार्टअप टाइप मैनुअल है, तो मैं इसे डिसेबल कर दूंगा और उसके बाद इसको अप्लाई कर दूंगा, ओके। एंड अगेन दोस्तों मुझे क्या करना है, अपना कंप्यूटर एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लेना है, और जैसे ही मैं रिस्टार्ट करूंगा उसके बाद अगर मैं देखूंगा कि इस टाइप का जो एरर आ रहा था वो मुझे नहीं आएगा, ठीक है। तो जो ये एरर था वो एरर तो हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, बट मैंने आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए हैं। एरर तो आप सॉर्ट आउट कर लोगे, लेकिन जो एक्चुअल विंडोज आपकी है वो अभी भी एक्टिवेटेड नहीं है, उसके लिए आपको जेन्युइन की बाई करनी है एंड फिर अपने ओएस को एक्टिवेट करना है। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली समझ में आई होगी। इनकेस आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट लिस्ट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।